मेरे क्वेश्चन के आंसर जवाब दे सकते हैं जी। ब्रेन बूस्टर स्कूल का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के ब्रेन का डेवलप करना, उनको सही मार्गदर्शन करना, मेन उद्देश्य है। यह जो है विवेकानंद के सिद्धांतों पर आधारित है। विवेकानंद ने ज्ञान के बाद बोला था कितने कि यदि मुझे फिर से शिक्षा लेनी हो तो मैं तत्वों के संग्रह से पहले अपने दिमाग का विकास करूंगा। उनका उद्देश्य था कि बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो केमिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट को लर्न कराने से उनसे बेहतर है कि सबसे पहले उनके दिमाग का विकास किया जाए। विकास करने के बाद फिर उनकी इच्छानुसार, उनकी इच्छानुसार वो अपने मैटर को याद करें, उसमें डालें। इसी को उद्देश्य, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रेन बूस्टर स्कूल की स्थापना की। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं आपको कि ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है। तो माइंड सॉफ्टवेयर है और ब्रेन जो है हार्डवेयर है। जैसे कंप्यूटर तकनीक में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो ब्रेन है वो शरीर का पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन माइंड हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, यह एक भगवान द्वारा दिया हुआ उनका सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। इसमें जो है हम ऑपरेशन के थ्रू किसी भी रूप में थ्रू उसको ना तो अपने तो देख सकते हैं ना तो उसे हम बदल सकते हैं। सिर्फ उसको हम विचारों के द्वारा बदला जा सकता है, भावनाओं के द्वारा बदला जा सकता है, इमोशंस के द्वारा बदला जा सकता है अपने है। और इसको बदलने के लिए एक टेक्निक है, इसको हम कहते हैं NLP लैंग्वेज की प्रोग्राम। जिस तरह कंप्यूटर को प्रोग्राम दिया जाता है, सॉफ्टवेयर फीड किया जाता है, फिर कंप्यूटर कार्य करता है। इस सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दिया जाए और उससे काम ना लिया जाए, उसे खोला ना किया जाए, ओपन ना किया जाए, तो वर्क नहीं करता। ठीक उसी तरह भगवान ने तो सॉफ्टवेयर डाल कर आपको भेज दिया है। हम प्रकृति ने, नेचर ने सॉफ्टवेयर तो डाल दिया है, बॉडी रूपी कंप्यूटर हमको दे दिए है। लेकिन जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं, ट्रेंड नहीं करेंगे, तब तक वह वर्क नहीं कर पाएगा। वर्क करेगा तो रैंडम वर्क करेगा, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वह वर्क करें। हमारे इच्छानुसार नहीं करेगा। यदि हमको इच्छा अनुसार, अपनी इच्छानुसार वर्क करवाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हमें अपने ब्रेन को ट्रेंड करना पड़ेगा। जब ब्रेन ट्रेंड होगा तो आपके इच्छानुसार कार्य करेगा। हमारा शरीर जो है बॉडी है, तो बॉडी में ब्रेन है और माइंड, माइंड बॉडी का पार्ट नहीं है। और ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है। माइंड भी दो तरह के होते हैं, उसे तो तीन तरह के होते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर अगर जाएंगे तो तीन तरह के होते हैं, और लेकिन नॉर्मल तरीके पर अगर हम देखें तो ब्रेन जो है कॉन्शियस ब्रेन होता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस दो तरह का माइंड होता है, ब्रेन में माइंड। और ब्रेन दो तरह के होते हैं, और दो तरह के इतने के कौन कौन से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जो हमारी राइट एक्टिविटी होती है वह लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और जो लेफ्ट एक्टिविटी होती है वह राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। दोनों अपोजिट होते हैं, क्रॉस होते हैं। तो इस आधार पर हमको अपने माइंड पर वर्क करना है। जो वर्क होता है दो तरह का वर्क होता है, जैसे माइंड के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कॉन्शियस माइंड जो वर्क हम करते हैं वो करते जो वर्क हम खुद करते हैं वह कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन जो ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है, जैसे कि आँखों का झपकना,
ब्लड सर्कुलेशन, दिल का धड़कना, ये सब चीजें स्वतः होती हैं। जो कार्य स्वतः होता है उसमें हम थकते रहते हैं, क्योंकि फिजिकली हो रहा है लेकिन हम थकते नहीं है। अब बताओ कि जिंदगी लगभग 18-20 साल की हो गई हो तुम, हो या 25 साल की हो गई हो, दिल तो 25 साल से धक रहा है, कभी थकी हो? आँख जो है 25 साल से झपक रहा है, कभी थकान हुआ नहीं? तो हम शिक्षा में भी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का यदि यूज करें तो हम बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं, और लंबे समय तक अगर कार्य करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा अंक आएंगे, ठीक है, और ज़्यादा अंक आएंगे देंगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। देखिए अगर ज़्यादा हम सफल होंगे देंगे तो लाइफ हमारा सुखमय हो सकता है, अपने अच्छा हो सकता है और हम सक्सेस हो सकते हैं। तो इस तरह जो है हमें अपने ब्रेन को ट्रेंड करना होगा और कार्य ऐसा करना होगा जो स्वतः हो, यानी हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कार्य करवाना है। सबकॉन्शियस माइंड से कार्य कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है, कॉन्शियस माइंड 10% होता है। 10% के लिए हम जीवन भर सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ जीवन भर सीख रहे हैं, और 90% पर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, 90% के लिए हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिक अपने आप जो है समाज से कुछ जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे जो है वो कार्य कर रहा है, और जो कि मेरे इच्छा अनुसार नहीं है। यदि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से इच्छा अनुसार कार्य करवाना है तो हमें अपने ब्रेन को और माइंड को दोनों को ट्रेंड करना होगा। ब्रेन माइंड दोनों अलग है, आपको समझ में आ गया होगा कहेगा कि ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है। तो हम कोर्स की बात अगर करें, आपने पूछा कौन कौन से कोर्स चलते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे पहले एक DMIT टेस्ट किया जाता है। DMIT टेस्ट के माध्यम से हम ब्रेन का परीक्षण करते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से। फिंगरप्रिंट लिया जाता है, 10 उंगलियों का अपना का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, एक उंगली का 3-3 फिंगरप्रिंट लिया जाता है। इस फिंगरप्रिंट के थ्रू हम पता करते हैं कि बच्चे का पर्सनालिटी क्या है, बिहेवियर क्या है, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है और कैरियर किस क्षेत्र में वो सक्सेस होगा, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हर इंसान को DMIT टेस्ट करवाना चाहिए। जब तक वो DMIT टेस्ट नहीं करवाएगा तो हमारे यहाँ जो भी कोर्सेज चलते हैं उसका जो है फायदा नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले हम जाने तो आखिर बच्चे के ब्रेन किस लिए बने हैं, किस तरह की उसकी शिक्षा दी जाए, किस मोड से उसको पढ़ाया जाए, इसकी जानकारी जरूरी है। जैसे लर्निंग पैटर्न और बेसिक चीज़ें हैं, 3 प्रोसेस होता है याद करने का, या देखकर, या सुनकर, या तो मोशन करके, इसके आधार पर पढ़ने पर हम लर्निंग करते हैं। लेकिन किसी को ना कोई आइडिया नहीं है, या जानकारी नहीं है कि कौन सा मोड मेरा है, या मेरा ब्रेन, अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन कौन सा ब्रेन एक्टिवेट है, लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है और जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, इसको हम लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं और उसको क्रिएटिव ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव ब्रेन जुड़ा होता है एक तरह से मान के चलिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, और जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो कॉन्शियस माइंड से। तो हमारे यहाँ जो भी शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, वो लॉजिकल ब्रेन बेस्ड है। और नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन बनाऊंगा अपनेगा कि कैसे हम लॉजिकल ब्रेन यानी कॉन्शियस माइंड के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँचे। चूँकि इस वीडियो में हमें यदि बताते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अपनेगा। तो हमारे कोर्सेज जो हैं, DMIT टेस्ट लिया जाता है, ये कोर्स नहीं है, ये टेस्ट है। दूसरा है मेरा एवाकस,
वैदिक मैथमेटिक्स, दिवाकर वैदिक मैथमेटिक्स, एनएलपी और विंड कनेक्टेशन हमारे कोर्सेज हैं जिसमें कि इंग्लिश स्पोकन और कंप्यूटर दिया जाता है, तो इनके माध्यम से हम बच्चों के ब्रेक करने का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बच्चे आर्ट कंपनी के बारे में बता सकते हैं? जी कैसे होता है? जी आंख बंद करके देखिए, हाँ आंख बंद करके देखिए, हमारे शास्त्रों में दिखाया गया है कि भगवान शंकर का एक नेत्र था, जो फिजिकल नेत्र होते हैं उससे अलग एक नेत्र होता है जिसे हम फिजिकली तो नहीं देख सकते, किसी ऑपरेशन के थ्रू हम नहीं देख सकते कि थर्ड आई कहाँ पर है, लेकिन एक थर्ड आई होता है जिसके थ्रू जो है हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। जब ये एक्टिवेट होता है, इसको अगर चक्र के आधार पर देखें तो हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, ठीक है, जो 3 चक्र फिजिकली होता है और बाकी चक्र जो है 3 चक्र मेंटली होता है, माइंड बेस्ड होता है, और एक आध्यात्म से होता है, स्पिरिचुअल होता है, ध्यान होता है, कंसंट्रेशन पर परिकल करता है, जो जिसमें हमारे यहाँ एक जो जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पीनियल ग्लैंड कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। जितने भी हमारे चक्राज हैं वो सब ग्लैंड पर बेस्ड हैं, तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने से हम खुली आंख से जो काम करते हैं वो बंद आंखों से हम कर सकते हैं, और यह जो है 100% साइंटिफिक है। हमारे यहाँ कोर्स कराए जाते हैं जो कि म्यूजिक और एक्सरसाइज ब्रेन जिम होता है, और म्यूजिक है और डांस है, इन सब के थ्रू जो है हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यह जो है 5 साल से 15 साल के बच्चों में एक्टिवेट होता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, एडल्ट में भी होता है लेकिन वो आँख बंद करके नहीं देख सकते, लेकिन वो कुछ जो है तो है एक्टिविटी करके इतने के अपने चक्राज को जागृत करके इतने के कुछ मंत्राज करने का उच्चारण करके अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, और यह 100% साइंटिफिक है। इसके लिए हमारे संस्था, हमारी संस्था जिससे हमारी संस्था उससे टीम 360 जयपुर से एसोसिएटेड है, और दिवाकर और वैदिक मैथमेटिक्स के लिए मैं गुरु एजुकेशन से एसोसिएटेड हूँ, तो ये सभी कोर्सेज हमारे यहाँ 10 कोर्सेज हैं जो कि इंडियन, जापानीज, अमेरिकन, सिंगापुर, इन सब क्षेत्र से लाया हुआ यह सब प्रोजेक्ट है। ये हम वर्कशॉप अपने संस्था ट्रेनबूस्टर स्कूल में और जो इच्छुक प्रबंधक हैं उनके स्कूलों में वर्कशॉप के रूप में करवाते हैं। 10 दिन का वर्कशॉप होता है, इसके माध्यम से इतने से हम वाराणसी कितने के सभी बच्चों को अपने को के ब्रेन को का डेवलपमेंट करते हैं या करने कितने की इच्छा है। लॉकडाउन के कारण जो है प्रोग्राम नहीं हो पाया है, जैसे ही स्कूल खुलेगा इतने करने का लंबे स्तर तक स्कूलों में और अपनी संस्था में इसको किया जाएगा इतने का, तो ताकि कितने की ये विद्या जो है नई विद्या के माध्यम से इतने बच्चे कम समय में अधिक सफलता हासिल कर सके और हमारा देश भी विदेशियों कितने की तरह उन्नत कर सके, प्रमोट कर सके, इतने के विकास कर सके, इतने के डेवलपमेंट हो सके, इतने के इसके लिए हम और हमारी संस्था टीम 360 प्रयासरत है, और हम सब भी ये चाहते हैं। हम लोगों का मूल उद्देश्य है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था और पुनः उस गरिमा तक पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है, और इन कोर्स के माध्यम से इतने से हम यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। नेक्स्ट ये कैसे जी, हाँ तो हमारे यहाँ लिखे हैं कि
हमारी संस्था टीम 360 के बच्चे आपका जय